नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीष कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बरेली जिले। इस बार जो मुद्दे हमको दिखाई दे रहे हैं वो कुछ दूसरे किस्म के मुद्दे हैं, तो तैयारी आपकी पार्टी की अच्छी बात है, लेकिन अब ये मुद्दों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सबसे हमेशा बात हुई, पिछले चुनाव में मोदी ने पहली बार बहुत जोरदार ढंग से युवाओं के मुद्दे उठाए थे। इस चुनाव में मुझे लग रहा है कि महिलाओं का मुद्दा उठने वाला है, और आप महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपसे इस समय मैं अपेक्षा कर। मेरा इतना बड़ा ऑनर है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरे पिता से एसोसिएटेड हैं, तो फॉर्मूला तो कन्वर्ट हो गया महिला और युवा में। एंड आई होप कि जो बदलाव आता है वो युवा आवाजों से ही आता है, महिलाओं की आवाज से भी आता है। सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। इसमें मैं ये कहूंगी कि जो हमारे एल्डरली लोग भी हैं, जब उत्तर प्रदेश में क्योंकि रोजगार नहीं है, कल कारखाने नहीं लग रहे हैं, हमारा युवा बाहर जा रहा है रोजगार की खोज में, तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश सूना हो जाए, उनको यहाँ रोकने की जरूरत है। उस पर भी हम काम करेंगे, वो हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है सुरक्षा की दृष्टि से। क्या उत्तर प्रदेश हम बच्चों को क्या दे पा रहे हैं? ना बच्चों के लिए ऐसे पार्क हम डेवलप कर पा रहे हैं। हमने मांग की कि बच्चों के लिए बाल पुस्तकालय यहाँ पर खोला जाए, बच्चों के लिए थीम पार्क हो, कोई चिड़ियाघर इस तरीके से छोटा सा डेवलप किया जाए छोटे छोटे शहरों में, या तारामंडल जैसे प्रयाग में है और दूसरे शहरों में है, तो हम साइंस के जो एक व्यू है बच्चों का वो हम डेवलप कर पाए या उनको और कुछ दे पाए। तो इसके लिए आपकी सरकार अगर आएगी तो उसकी क्या रूपरेखा होगी? अभी मैं चेक कर रहा था कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार उसकी आयोग की जो वेबसाइट है वो 2 साल से अपडेट ही नहीं हुई है, उसका अपडेट 2 साल पहले का है पड़ा हुआ, और अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश यहाँ काफी और हम चुनाव क्यों हारे इसकी समीक्षा हमने की। समीक्षा एक आंतरिक है, चुनाव हम क्यों जीतेंगे वो भी आप से ही आशीर्वाद मिल गया कि हमने काम किया, क्योंकि काम पे चुनाव जीतना ही हमारा मकसद है। अब तो कोई विकास हो नहीं रहा है। अगर बिजली की बात करें तो एक यूनिट भी बिजली भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात आती है, उसके अलाइनमेंट जमीन अधिग्रहण शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने कहा, और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को दोबारा एक डेट तय करनी पड़ी उसके शिलान्यास के लिए। फिल्म सिटी अनाउंस हुई थी, उसका क्या हुआ ये भी बता दें। जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल हमने भेजा था, स्वीकृति वहां से क्यों नहीं आई? मेट्रो लखनऊ जब चल रही थी तो 3 महीना हमें स्वीकृति नहीं मिली कि हम चला ना पाए। कानपुर मेट्रो हमने बनाई, तो हम केवल दावा नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। और प्लेन तो आगरा एक्सप्रेस वे पर ही उतर जाए, प्लेन जहां उतारने वहां उतारे ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वो बेटर होगा। यहां उतार के लोगों को क्या दिखाना है, थोड़ा सा लैपटॉप बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप उसे लोकतंत्र के लिए कितना हितकर मानती हैं? जो राजनीति कल चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं अपनी तरफ से वोटरों को लुभाने के लिए, तमाम मुद्दों को पीछे कर देते हैं जो जरूरी मुद्दे हैं, और ये कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे, ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? ये तो जनता के मुद्दे हैं ना भैया। अगर लैपटॉप अगर हम बच्चों को बांटेंगे तो बच्चों का उस पर अधिकार है, अगर हम समाजवादी पेंशन बढ़ा के देंगे तो महिलाओं को उसकी आवश्यकता है। अगर हम कहते हैं कि हम हर सिटी में, और हमने बनाया भी है, एक 300 बेड का अस्पताल देंगे तो ये आवश्यकता है। अगर हम कहते हैं कि हम पोषण मिशन बनाकर कुपोषण को दूर करेंगे तो भी ये वास्तविकता है। तो मैं अपने ये लोग लुभावने मुद्दे नहीं मानती, क्योंकि मैंने इस पर काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार में काम किया, कांग्रेस अपनी सरकारों में क्या कर रही है उसकी रिपोर्ट के साथ ये भी बता दे कि वहाँ क्या ये लागू है या केवल विशेषता उत्तर प्रदेश के लिए पैकेज है, तो बेहतर होगा। बाकी जो मुद्दे जनता के नहीं होते उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है। जनता के मुद्दे हैं कि हमारा जीवन कैसे खुशहाल हो, हमारी दवाई पढ़ाई और हमारी सिंचाई कैसे मुक्त हो, हमें कैसे न्यूनतम समर्थन दाम मिले, बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे दूर हो। मैडम आप सन 2022 में समाजवादी आशा है कि अपनी पार्टी में काबिलियत ही समीकरण रहेगा, उसमें कोई समीकरण नहीं है आपका। जनता है, हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर विधानसभा के लोग हैं, अपना आकलन होगा,
और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को कुछ बहुत उनके पास ऑलरेडी सब फीडबैक है, हम लोग पहुंचाते रहते हैं। सवाल हो सुन लीजिए मैडम के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मैं खुद विभिन्न यात्राएं और जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, गठबंधन भी हो रही है उन पार्टियों के साथ जो समान विचारधारा के हो, और साथ ही वर्गों को जो 5 साल में हमने देखा कि समाज में कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन्स और गहरी हो गई है, लोग परेशान है महंगाई से बेरोजगारी से, उनकी बातें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब सुनते हैं और उसको कैसे हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे विद अ सॉल्यूशन कि हम 100 दिन में कैसे वो फर्क दिखा पाएंगे, इस पर हम काम कर रहे हैं। यही हमारी एक सीधी सच्ची स्ट्रैटेजी है। हाँ, सरकार हमको बनानी है, सरकार हम बनाएंगे 2022 में बनाएंगे, क्योंकि सरकार को हटाना आवश्यक है उत्तर प्रदेश के लिए, तो उस पर भी जैसे अन्य पार्टियां काम करती हैं हम भी काम करते हैं और बूथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लाल टोपी खतरा है, उनके लिए खतरा है 2022 में खतरा है और उससे बड़ा भी खतरा 2024 में है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश दिल से लोगों को कबूल करता है, लेकिन जब दिल से कोई उतर जाता है तो फिर सत्ता से नेता भूत भी कर देता है। 5 साल हमारे भावनाओं से, भावना पे उन्होंने वोट किया था, मैं तो काम पे तो लिया नहीं था, काम तो हमने किया था, तो आप भावना से खेलेंगे तो सत्ता से आपको हटाया जाएगा। जिला पंचायतों के चुनाव में हमने देखा 2022 में समाजवादी पार्टी इसीलिए सरकार बना रही है क्योंकि अखिलेश जी सीधे सच्चे हैं और लोगों से बात करते हैं। आप महिला है, महिलाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी आपकी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते हैं, तो महिलाओं को किस तरह से अपनी पार्टी में साधेंगे जिससे महिलाएं आपके साथ चलें? मैं एक बहुत प्रशासनिक बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर थे, मेरे हस्बैंड एक आईएएस ऑफिसर थे, मेरा बेटा एक आईएएस ऑफिसर है। 2011 से आज तक समाजवादी पार्टी के मंच पर, समाजवादी पार्टी के सभाओं में मेरे किसी भी पुरुष सहयोगी ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, मुझसे कोई गलत हरकत नहीं की और दीदी कहकर सम्मान दिया, जबकि उनके लिए भी एक नई थी मैं। साथ ही मुझे लगता है कि जो गुंडों की पार्टी है वो अपने खुद के गरबान में झांक कर देखे, पहले टेनी को परिभाषित कर दे, टेनी के बेटे को परिभाषित कर दे और बता दे कि कितना किलो कितना टन वो कमल छाप डिटर्जेंट उन्होंने रखा है जिसमें गुंडागर्दी के दाग साफ कर लेते हैं वो, क्योंकि माया भी है, ये सब करना जानते हैं हम तो सीधे सकते हैं। श्री शंकर दास दादाजी, जमीन रायबरेली में इसकी जमीन, खुद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर अस्पताल बनना है मेडिकल कॉलेज की जमीन, और भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत अधिक विकास किया है। अब बाकी जातियों की कोई भूमिका मुझे नहीं दिखती और मैं इसका उदाहरण हूँ, लेकिन मैं भी ये मानती हूँ कि वो समाज की एक वास्तविकता है, तो आशा है कि हम सब मिलकर, कम से कम महिलाएं और युवा मिलकर कि इसको बदले, एक डोंट टेक इट सीरियसली वो बोलते रहते हैं, चुनावी भाषण है वो, तो प्रधानमंत्री अपना हैंडल भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो लोकतंत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बेटा सलमान पीछे आ जाओ, भैया थोड़ा सा नाउ इंग्लिश टीचर एंड वेरी थैंक यू सो मच।